जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर एक ऐसी रिवर जिसे लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये रिवर तिब्बत से होके इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है और फिर इसका माउथ होता है कराची में अरेबियन सी। सो लेट्स स्टार्ट आवर इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर ये एक ऐसी रिवर है जो कि ओरिजिनेट होती है हमारे तिब्बत से। तिब्बत में आपने नाम तो सुना होगा कैलाश माउंटेन के फुट हिल्स पे ये लेक पाया जाता है, मानसरोवर लेक। उसी लेक से ओरिजिनेट होती है हमारी इंडस रिवर। वहाँ से निकलते हुए इसका नाम होता है लायंस माउथ। उसके बाद ये इंडस रिवर एंटर करती है येलेसी से हमारे लेह लद्दाख वाले रीजन में। लेह लद्दाख वाले रीजन में इसका नाम पड़ जाता है इंडस रिवर। उसके बाद ये रिवर आगे प्रोसीड होते होते एंटर करती है येलोसी से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, POK में। उसके बाद ये रिवर गिलगित बाल्टिस्तान से होते हुए ये रिवर जाके टकराती है हमारे नंगा पर्वत से। नंगा पर्वत से ये स्लाइटली एंटर करती है POK में और ये नंगा पर्वत से टकराने के बाद लेफ्ट टर्न लेती है। उसके बाद ये प्रोसीड करती है रिवर हमारे मिठानकोट की तरफ से। मिठानकोट जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी सतलुज रिवर इससे आके मिलती है। इसकी याद रखें मेन ट्रिब्यूटरीज हम बोलते हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज को, जिनमें से इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज। और इसकी कुछ राइट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि स्योक, काबुल जो कि अफगानिस्तान से आती है, और भी कई सारे हैं बट ये मेन है। उसके बाद ये रिवर प्रोसीड करती है हमारे कराची की तरफ। कराची एक पोर्ट सिटी है जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ पे ये कई सारे डेल्टास बनाती है और उसके बाद इसका माउथ होता है अरेबियन सी। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रिब्यूटरीज की। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, हम कंसीडर करते हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज को। लेफ्ट में इसकी ट्रिब्यूट है झेलम, चेनाब, रबी, ब्यास, सतलुज। और इसकी राइट में ट्रिब्यूटरीज हैं सियोक ट्रिब्यूटरी और कैबुल ट्रिब्यूटरीज और गिलगित ट्रिब्यूटरीज जो कि इसकी राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसकी जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेन कंसिडर की जाती हैं और आज हम जानेंगे इनके बारे में। सो झेलम इसकी ओरिजिन पॉइंट है वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लाई करता है। उसके बाद आता है चेनाब। चेनाब हिमाचल प्रदेश में बारा लाचा पास से ओरिजिनेट होता है और ये जाके ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद आता है रावी। रावी जो कि हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिनेट होता है, ये कांगला डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होता है हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद ये जाके मिल जाती है हमारे इंडस रिवर में। ये भी एक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। उसके बाद आता है ब्यास। ब्यास जिसका सोर्स है रोहतांग पास। रोहतांग पास से ये ओरिजिनेट होता है और ये भी जाके हमारे इंडस रिवर में ही मिलती है। उसके बाद आती है इसकी पांचवी और मेन और लास्ट ट्रिब्यूटरी जो कि है सतलुज। सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है रकस्त्र लेक जो कि तिब्बत में है। रकस्त्र लेक थोड़ा सा मानसरोवर के आसपास ही है और यहीं से हमारी ओरिजिनेट होती है सतलुज रिवर। उसके बाद ये सतलुज रिवर इसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कंसिडर की जाती है लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में और ये ज्वाइन करती है इसको मिठानकोट में। ये हो गई उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, इसकी पूरी जानकारी जानते हैं। ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो कि 1960 में हुआ था। 19 सितंबर 1960 में ये ट्रीटी साइन की गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले थे जनरल अयूब खान। याद रखें जनरल अयूब खान वही थे जिन्होंने फ्लाइंग सिख का दर्जा दिया था हमारे मिल्खा सिंह को। तो इन दोनों थे और इन दोनों के बीच एक ट्रीटी साइन हुआ था जिसमें कि कंसिडर किया गया था इंडस की पाँचों मेन रिवर जो कि झेलम, चेनाब, रवि। इन तीनों का इंडस, झेलम, चेनाब इन तीनों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी इंडिया यूज करेगा और इंडिया यूज करेगा सिर्फ इरिगेशन पर्पज एंड इलेक्ट्रिसिटी पर्पज के लिए। और जो बाकी के तीन बची रिवर हैं रावी, ब्यास एंड सतलुज, इन तीनों का पानी 100% ऑक्यूपाई करेगा इंडिया
अपने किसी भी पर्पज़ से ये 100% ऑक्यूपाई करेगा इंडिया। ये हुई थी ट्रीटी, और ये ट्रीटी अब कंसीडर की जाती है बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीटी, बिकॉज आफ्टर ऑल आफ्टर दैट कई सारे वॉर हुए, 65 के वॉर, 71 के वॉर, 99 के वॉर, और बीच में सियाचिन ग्लेशियर के वॉर 87-84। तो लेकिन इन सब वॉर के चलते हुए भी कभी भी ये ट्रीटी तोड़ी नहीं गई, इसलिए इस ट्रीटी को बहुत ही अच्छी ट्रीटी कंसिडर किया जाता है आज के टाइम पे। और ये ट्रीटी 1960 में जैसे कि असाइन हुआ था, दैट्स ऑल अबाउट दिस ट्रीटी। और हाँ, हमारा इंडस वाटर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम ख़त्म होता है यहीं पे। दैट्स ऑल, जय हिंद।